जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है तैयार है। आज कीमत अदा कर दो जिंदगी भर ऐश करो या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये सब सिर्फ तब तक कैलेंडर की तारीखें हैं जब तक आप रुके हो। जिस दिन आप अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओगे हर एक तारीख का महत्व समझ जाओगे। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। खुद से चंद हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने बस थोड़ा तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से। फ्रेंड्स, इस दुनिया में एफर्ट्स कभी रिवॉर्डेड नहीं होते, हमेशा रिजल्ट्स रिवॉर्डेड होते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ओलंपिक में जब प्लेयर जाते हैं या एशियन गेम में अभी प्लेयर गए थे तो एयरपोर्ट पे छोड़ने वाले होते हैं 2, 4, 5, 10 लोग, लेकिन अगर वो मेडल लेके वापस आता है ना तो रिसीव करने वाले होते हैं 10,000। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। भाई अगर एफर्ट्स रिवॉर्ड किए जाते तो छोड़ने भी 10,000 लोग जाते थे, छोड़ने गए 5 और गलती से वो सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड ले आया। ए जंतर ढोले नगाड़े ले हार, आह मेरा राजा आया। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। तो कमीशन से अबे वो बच्चा जिसको एक गरीब घर से आके पुलिस में या फौज में जाना पड़ता है ना, 3 बजे रात को उठता है वो बच्चा। जब बेंच और तुम लोग पार्टी कर रहे होते हो ना वहां पर अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में और अपने बड़े बड़े भवनों के अंदर बड़ी बड़ी मैस में जब तुम पार्टी करते हो बैंक चौदह, अबे तुमको पता भी है सिपाही होता क्या है? क्योंकि सुनो, प्रॉब्लम यह है हमारे देश में, ना एक नेता का लौंडा आज तक सिपाही बना, ना आज तक ये भोसड़ी के जो यूनियन में बैठे हैं कोई अमीर का लौंडा आज तक सिपाही नहीं बना। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। इसे मारने के लिए मुझे बुलाया था, उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो जैसी भी हो उसे वहीं जाके मारूंगा। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। उसी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1,000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है,
सिर्फ एक वजह होगी वो करने की, जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा। अगर गिरने की परवाह करूंगा तो ठोकर बुरा मान जाएगी, अगर ठोकर की परवाह करूंगा तो रास्ता बुरा मान जाएगा, अगर रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी, और अगर मंजिल की परवाह नहीं की तो ये जिंदगी बुरा मान जाएगी। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जाता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुम्हारी मेहनत पर किताब लिखने को मजबूर हो जाएं। अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो कि लोग आपसे मिलने के लिए आपसे टाइम नहीं बल्कि आपके लिए टाइम निकालें। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमी पे और माँ तुझे सलाम लिख दे। घंटी से है न मस्जिद की अजान से है मेरी नींद को तकलीफ, वहां बॉर्डर पे कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। न भाषण चाहिए न राशन चाहिए, सिर्फ तेरी बोली इन मंत्रियों की वाणी में अनुशासन चाहिए। एंटी नेशनल मीडिया बैठा हुआ उनकी भाषण उनकी बोली पर अनुशासन चाहिए। और सिर्फ एक परमिशन चाहिए, हिंदुस्तानी फौज में इतना दम है एक दिन के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इन टेररिस्ट की खोपड़ियों का पहाड़ बना दे। बस इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। जय हिंद। Righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Question is whether you want to be you or everybody else. अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जी। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे दे। अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए। दिस पीपल विल आस्क यू पानीपत का फर्स्ट बैटल कहां पे हुआ था, सेकंड कहां पे हुआ था, थर्ड कहां पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहां से आए थे,
यूपीएससी भी लास्ट क्यों, सारे बैटल्स पानीपत में क्यों हुए थे? So UPSC is never about where, when and what. It's about how and why. So जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, ask the question why and ask the question how. Without getting biased. One thing is very much needed for this service is your critical attitude toward everything without getting influenced from anyone and anything. You are not supposed to get influenced by any ideology.